उत्तर भारत में बालिका शिक्षा क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर चुका शाह सतनाम जी गर्ल शिक्षण संस्थान सिरसा बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। फिर चाहे बात शिक्षा के क्षेत्र की हो, खेल की हो या संस्कारों की, इसी कड़ी को जारी रखते हुए हाल ही में शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल के प्रांगण में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पहलुओं पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। All the speakers of today, even Dr. Manpreet Singh Manna, former director AICT and founding member of SWAYAM MOOCs project and Prime Minister's Special Scholarship Scheme, Mr. Subodh, Vice President E-Governance Service India Limited and CSE Academy, Mr. Charu Media and others who came from across the country with tons of advice and valuable knowledge on NEP to share with us. No doubt this conference is a great day as it includes a number of schools from the district. We know NEP 2020 outlines the vision of new education system of India that replaces the previous 34 years old national policy on education 1986. The foremost aim of NEP is to transform India into a vibrant, skillful knowledge society by brightening out the abilities of every child, but the implementation aspect of NEP are still an unexplained mystery to the common man. इस आयोजन में जहां विद्यार्थियों ने नई शिक्षा नीतियों के बारे में जाना, वहीं आए हुए शिक्षाविदों मोटिवेशनल स्पीकर्स ने शिक्षा और करियर संबंधी विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर छात्राओं का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर डॉक्टर मनप्रीत सिंह मन्ना, एजुकेशनिस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर, पूर्व डायरेक्टर AICTI, डायरेक्टर स्वयं मूक्स प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम ने बाखूबी तौर पर NEP 2020 के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। अपने मुंह से बोलते हैं कि सारे ही मेरिट में हैं, तो यानी कि कभी टीचर दिमाग में ये ना रखे कि मुझे दो टॉपर ही निकालने या चार टॉपर निकालने हैं। अगर सारे टॉपर बन रहे तो क्या फर्क पड़ रहा है? जिस पायदान पर आप खड़े हो, उस पायदान पे नहीं भी होके वहां पर है तो आप क्यों नहीं थे? कई बार अवेयरनेस नहीं होती है, कोई बात नहीं है, शो करता हूं अगले 3 महीने के बाद आपकी उसमें ये वाला स्कूल तो पक्का उसमें पूरा। आपने यहाँ पर एक वेलकम सॉन्ग दिया, कुछ 17 बच्चियां यहाँ पर खड़ी थी और आप वो काम पहले कर चुके हैं। मैं तो वो बताने के लिए आया था यहाँ पे, क्योंकि स्कूल एजुकेशन सिस्टम में NEP 2020 ने कहा है कि सब कुछ देना, लेकिन भूल मत जाना कि आपका हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं कम होना चाहिए। आपने तो पहली हैप्पीनेस इंडेक्स दे दिया। आप आज इस सॉन्ग की वीडियो खोल के दोबारा चला के देख लो, एक एक बच्ची कितने प्यार से उसके चेहरे की खुशी बता रही थी कि वो दिल से वेलकम कर रहे हैं आज अतिथि देवो भवे। उन्होंने अपने उस सॉन्ग में उस हैप्पीनेस इंडेक्स को झलका दिया और इस स्कूल में हैप्पीनेस है, ये क्लियर हो गया मेरे। लेकिन आपको टाइटल लेना पड़ेगा, वी आर द फर्स्ट स्कूल इन दिस हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट विच हैज टोटली NEP 2020 एनेबल्ड। वो टाइटल आपको लगाना पड़ेगा। हमें हर क्षेत्र में आगे जाना है। कल हमारी बच्चियों ने 3 इकट्ठे मेडल उठाए तो छाती 56 इंच चौड़ी हुई कि नहीं हुई पूरे देश की। इनके अलावा सुबोध मिश्रा, वाइस प्रेसिडेंट CSE ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड एंड CSE एकेडमी ने बच्चों को CSE ओलंपियाड के बारे में जानकारी दी। वहीं चारू नोहरिया, को फाउंडर एंड COO प्रैक्टिकली हैदराबाद इंडिया ने भी शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपना अनुभव साझा किया। इसके अलावा सुनील डांगी, CEO ई मैंगो एजुकेशन इंडिया, निर्दोष माथुर, COO फर्स्ट इन मैथ ने भी अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर स्कूल ने अपना ब्लॉग टच हाइट्स भी लॉन्च किया,
और साथ ही एक नई लर्निंग ऐप ई मैंगो को भी लॉन्च किया गया।